देखो इधर, तो ये हमारे पास आ गया बबल टाइप कंटेनर। बबल टाइप कंटेनर का मतलब हो गया, इसको इस तरह से समझो आप कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। आपको इसमें तैरना नहीं है, सिर्फ बबल्स बनते हुए देखना है। मान लीजिए यहाँ एक बबल है, ठीक है, तो बबल के लिए ऊपर जाने पर ये बबल बड़ा होगा या छोटा होगा? साइज वाइज बड़ा होता जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर क्या है? कम है। फिर सरफेस पे आके ये क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। वो तो बात अलग है। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो मान लीजिए यहां पर रेडियस आर वन है और यहां पर आर फाइनल है, यहां आर इनिशियल है। तो क्या आप आर इनिशियल और आर फाइनल में कोई रिलेशन बता सकते हैं? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले जो चीज दी गई है वो है टेम्परेचर कांस्टेंट है बबल के अंदर। दूसरी चीज जो है वो है मोल, वो भी कांस्टेंट है। तो एक तरह से प्रेशर जो होगा और वॉल्यूम में रिलेशन होगा। तो बबल किसके को फॉलो करेगा? पी प्रोपोर्शनल 1/V। ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, ये प्रेशर है बबल के अंदर का, मतलब जो जो भी है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा क्योंकि बाउंड्री पे प्रेशर बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से यहाँ हमारे पास P1V1 इक्वल टू P2V2 को फॉलो करेगा। कौन, किसने दिया था ये? बॉयल्स ने। अब आपके पास क्या लिख सकते हो V1 की जगह? P1। वॉल्यूम क्या है? 4/3 R³। तो 4/3 πR³, तो R³ लिख दो। P2 4/3 πR³ लिख सकते हो, R²। बोलो यस और नो? 4/3 का क्रॉस कर दो। तो मेरे पास रहेगा P1 R1 इक्वल टू P2 R²³। अगला पॉइंट क्या रहेगा आपके पास इस जगह? क्या P1 आप बता सकते हो? हाँ, लेकिन शर्त क्या है कि आपको ये हाइट दी गई हो। हाइट मान लीजिए, हाइट h सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है? h सेंटीमीटर। और लिक्विड जो दिया गया है वो वाटर दिया है, H2। तो बता सकते हो P इनिशियल कितना है इस जगह ये, या P1 कितना है इस जगह? मैं लिख सकता हूँ P इनिशियल R इनिशियल क्यूब, P फाइनल R फाइनल क्यूब। आप बता सकते हो P इनिशियल कितना है? 1 + 1। तो ATM प्रेशर है, वो तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पर, 1 ATM लगेगा। अब 1 + क्या रहेगा हमारे पास? H/76। ये तब लगता है जब मरकरी होता, लेकिन मरकरी नहीं है, वाटर है। 1/13.6, ये इनिशियल प्रेशर हो गया। P फाइनल कितना है इस जगह? P फाइनल है 1। इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। तो R1 R इनिशियल मालूम है तो R फाइनल बता दोगे आप आराम से। तो मेरे लिए R फाइनल की वैल्यू कितनी होगी? P इनिशियल R इनिशियल की पावर 3/P फाइनल और होल पावर 1/3। आप आराम से फाइनल रेडियस बता सकते हो या कहीं पे भी रेशियो बता सकते हो। P इनिशियल की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 + H/13.6 × 76। RI की वैल्यू आपको मैं दे दूंगा, यहाँ 1/3, यहाँ 1 आ जाएगा, R फाइनल आ जाएगा, और ये P फाइनल क्या है? 1 ATM ही है। तो 1 ATM तो है ही आपके पास, तो 1³ लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो R फाइनल जो होगा 1 + H/13.6 × 10। बोलो क्लियर करा लिया? लिखें इसको।